हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं एनसीईआरटी न्यूमेरिकल की पार्ट 2 की चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि पार्ट 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक हल कर लिए थे, आज आपको 6, 7, 8, 9 और 10 हल कराएंगे इसकी इस क्लास में। तो डियर स्टूडेंट, डियर गाइज, जो चैनल पर नए आए होंगे वो चैनल को क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों के साथ एक बार शेयर कर देंगे। आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल क्या है, 4 बिंदु आवेश हैं QA, QB, QC और QD वर्ग ABCD के कोने पर स्थित हैं और वर्ग की भुजा क्या है भैया, 10 सेंटीमीटर है। वर्ग के केंद्र पर स्थित 1 माइक्रो कूलाम के आवेश पर आरोपित बल का परिकलन करना है। तो ये भैया समझिए जरा सा, क्वेश्चन नंबर 6 का कह रहे हैं कि एक वर्ग है। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, वर्ग बनाते हैं, ऐसे समझिएगा। ठीक, ये वर्ग हो गया, ये वर्ग हो गया ABCD। अब जिनको नहीं पता वर्ग क्या होता है, जिनकी चारों भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण 90 अंश के हो, वो आपके वर्ग कहलाते हैं। अब वर्ग पर इस पे कौन आवेश है, इस पे आवेश है QA। ठीक, अब QA पर कितना आवेश है, देखिए QA पर कितना है, 2 माइक्रो कूलाम, यानी A पर 2 माइक्रो कूलाम का आवेश रखा है। फिर B पर कितना है, -5 माइक्रो कूलाम, B पर -5 माइक्रो कूलाम आवेश रखा है। C पर जो है कितना माइक्रो कूलाम आवेश है, 2 माइक्रो कूलाम आवेश है। और D पर जो है फिर से -5 माइक्रो कूलाम आवेश है। इतनी बातें समझ में आई। अब कराओ वर्ग ABCD के कोने पर स्थित है, वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, यानी इनकी जो भुजा है वो कितनी है भैया, 10 सेंटीमीटर। ये भी 10 है, ये भी 10 है। इतनी बातें क्लियर हो गई आपकी। चलिए, वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है। आगे कह रहा है, क्या कह रहा है आगे, वर्ग के केंद्र पर स्थित। तो मान लेते हैं वर्ग का केंद्र ही बीचों बीच रहा होगा, ये वर्ग का केंद्र हो गया ओ। आगे करा, वर्ग के केंद्र पर 1 माइक्रो कूलाम का आवेश रखते हैं, तो मानते हैं इस पे 1 माइक्रो कूलाम का आवेश है। आगे करा है, आवेश पर आरोपित बल का परिकलन कीजिए, यानी इस आवेश पर लगने वाले बल का मान ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग बल का मान ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले सोचिएगा क्या होता है कि ये जो +2 माइक्रो कूलाम है, ये प्लस दोनों बिरादर हैं भैया, इनहू बिरादर, इनहू बिरादर, तो दोनों लोग क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को ठेलेंगे, एक दूसरे को धक्का देंगे। तो ये वाला इनको इधर की तरफ लगाने का प्रयास करेगा, इसके द्वारा लगने वाले बल की दिशा इधर हो गई। ठीक, तो इसके द्वारा लगने वाले बल की दिशा FA हो गई। इतनी बातें क्लियर हुई। अब आ जाओ जरा से इन पे। अब QC ये भी कहाँ पीछे रहने वाला, ये QC 2 माइक्रो कूलाम, ये भी 1 माइक्रो कूलाम, दोनों धनात्मक आवेश, तो दो ये भी कहेगा भाई तू ठेल रहा तो मैं भी ठेलूंगा, जा ये लीजिए। ये इधर से बल लगा रहा था, ये इधर से बल लगा रहा था, एक भाई इधर से बल लगाए, एक भाई इधर से लगाए, उधर वाले FA हो गए, इधर वाले FB हो गए, और दोनों के पास बल वही है। क्यों, क्योंकि इसका भी आवेश का मान 2 माइक्रो कूलाम है, इसका भी 2 माइक्रो कूलाम है, यानी दोनों के पास आवेश का मान वही है, दोनों समान बल लगा रहे हैं, केवल एक इधर से लगा रहा है, इधर से लगा रहा है, ये ऐसे एक दूसरे को ठेल रहे हैं। फिर अब आइए माइनस वाला है, ये क्या है, प्लस है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, एक दूसरे को क्या कर लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे। तो अट्रैक्ट करेंगे तो ये -5 वाला क्या करेगा, -5 वाला सोचेगा कि भाई साहब ये 1 माइक्रो कूलाम वाला मेरे तरफ आ जाए तो मैं मजे मजे हो जाए, तो बस ये वाला इधर की तरफ लगाएगा बल, इसके द्वारा लगने वाले बल की दिशा क्या हो गई, FD हो गई। क्या हो गई भैया, FD, ये बातें समझिएगा जरा सा। फिर -5 माइक्रो कूलाम वाला क्या कहा, ए भाई साहब तुम कहाँ बुलाए जा रहे हो, मैं भी इसको आकर्षित करूंगा। क्यों, ये भी माइनस प्लस हो गया, ये भी इनको इधर की तरफ खींचा, इनकी तरफ खींचा, इनके द्वारा लगने वाले बल का दिशा हो गई FB। बातें समझ में आई भैया। अब आप ध्यान से समझिएगा, जो वर्ग के केंद्र पर ये आवेश रखा गया है, इस पे 4 बल लग रहे हैं, FA, FB, FC और FD। एक मिनट, ये FC होना चाहिए था आपका, तो FA, FB और FC और FD 4 बल कार्य कर रहे हैं। FA FC के विपरीत है, FB FD के विपरीत है, तो वर्ग के केंद्र पर लगने वाला जो परिणामी बल होगा, चारों को जोड़ देते हैं, तो लिखेंगे Q
क्या लिखेंगे, वर्ग के केंद्र पर स्थित एक माइक्रोकूलम के आवेश पर लगने वाला बल, ठीक भैया, लगने वाला बल F मान लेते हैं, बराबर एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी प्लस क्या हो गया एफ डी। ठीक, ये बात है, चार ही बल काम कर रहा है ना। अब आप एक मिनट जरा सा ध्यान समझिए, जो एफ ए है वो एफ सी के बराबर है, एफ ए जो है वो एफ सी के क्या है, बराबर है। क्यों? क्योंकि इसका परिमाण और इसका परिमाण दोनों के परिमाण समान है, तो दोनों बल भी बराबर लगाएंगे, परंतु दिशाएं विपरीत हैं और हम जानते हैं कि दिशाएं विपरीत हैं, तो उनको हम लोग माइनस लगा देंगे, एफ ए बराबर माइनस एफ सी, ये बातें नोट कर लीजिए। उसके बाद एफ डी एफ बी के बराबर हैं परंतु दिशा विपरीत है, एफ डी बराबर क्या लगा देंगे, माइनस एफ बी। ये माने अगर हम वहाँ ऊपर रख दें तो क्या हो जाएगा, चलिए अब एफ ए के स्थान पे रख देते हैं माइनस एफ सी, फिर एफ बी के स्थान पे क्या रख देते हैं, रहने दीजिए एफ बी को, फिर आगे एफ सी नहीं हटाएंगे, फिर एफ डी, एफ डी के स्थान पे क्या है, माइनस एफ बी। आप देखिए ये प्लस वाले, ये माइनस वाले, ये प्लस वाले, ये माइनस वाले, तो यह बराबर क्या हो गया, जीरो। यानी इस वर्ग के केंद्र पर रखे आवेश पे लगने वाले बल का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका कंप्लीट हो जाता है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ज़रूर लीजिएगा, फिर हम आगे की सवाल को कंटिन्यू करते हैं। सातवां सवाल, दो भाग पूछा गया है, एक पहला भाग क्या है, मैंने इसको थ्योरी में पढ़ा के रखा है, ये भी आपका दोनों क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से समझेंगे दोनों क्वेश्चन, एक एक नंबर के प्रश्न कई बार ये पूछा गया है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। क्या कह रहा है, विद्युत बल रेखाएं सतत वक्र होती हैं, आगे लिखा है एकाएक विखंडित नहीं होती, क्यों, ये क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन पूछा है, गजब का क्या क्वेश्चन है, विद्युत बल रेखाएं सतत वक्र होती हैं, वक्र का मतलब वो लगातार जो है जुड़ी रहती है, वो कभी एक दूसरे से टूटती नहीं है, क्यों, इसका कारण देना पड़ेगा। ये भैया मैंने पढ़ाते समय ये जरूर बताया होगा कि विद्युत बल रेखाएं सतत वक्र होती हैं या अथवा एकाएक नहीं टूटती, क्यों, क्योंकि सभी जगह विद्युत बल रेखाओं का मान समान होता है, इसलिए विद्युत बल रेखाएं एकाएक टूटती नहीं है। जैसे आपने क्या कहा कि ये कोई धनावेश हो गया, ये कोई ऋण आवेश हो गया, इससे निकलने वाली जो विद्युत बल रेखा ये है, इससे निकलने वाली जो विद्युत बल रेखा है उसका मान सभी जगह क्या रहता है, समान रहता है, इनका मान क्या रहता है, सभी जगह समान रहता है, जिसके कारण ये बीच में एकाएक टूटती नहीं है। तो ये चीज़ें लिख देंगे, क्या लिखेंगे भैया, वो लिखेंगे क्योंकि, आगे क्वेश्चन वाला वो लिख लीजिएगा, क्योंकि सभी जगह विद्युत बल रेखाओं का मान समान रहता है, अतः इसीलिए एकाएक टूटती नहीं है, एकाएक टूटती नहीं है। ठीक, ये रहा आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। फिर आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सातवें नंबर का, दो बल रेखाएं एक बिंदु पर नहीं काटती, क्यों, दो विद्युत बल रेखाएं एक ही बिंदु पर क्यों नहीं काटती, इसका जवाब दे रहा है। तो आइए एक इमेजिन करते हैं, दो ठो विद्युत बल रेखाएं लेते हैं ऐसे करके, ऐसे ये बिंदु P मान लेते हैं, यानी इस बिंदु P पे दो विद्युत बल रेखाएं क्यों नहीं काटती, तो ध्यान से समझिए। अगर हमने कहा इस बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा खींचा जाए, एक स्पर्श रेखा खींचेंगे तो एक दिशा इधर को दिखा रही है, एक दिशा इधर को दिखा रही है, ये देखिए, तो भाई साहब
एक ही बिंदु पे दो विद्युत बल रेखाएं इसलिए नहीं काटती क्योंकि ये कटान बिंदु पर दो दिशाओं को व्यक्त करती है, एक दिशा ये, एक दिशा ये। तो इसीलिए ये विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं क्योंकि कटान बिंदु पर ये दो दिशाओं को क्या करती हैं, व्यक्त करती है। तो ये जरूर लिखेंगे, दो विद्युत बल रेखाएं, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, प्रतिच्छेद नहीं करती हैं क्योंकि कटान बिंदु पर, क्योंकि कटान बिंदु पर ये दो दिशाओं को व्यक्त करती हैं, दो दिशाओं को व्यक्त करती हैं, व्यक्त करती हैं। ठीक, ये बातें आपकी क्लियर हो गई। ठीक, इतनी बातें समझ में आई भैया। आप सातवें सवाल का अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ज़रूर लीजिएगा, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो आपका आठवां नंबर क्वेश्चन, आठवां नंबर क्वेश्चन जो है भैया, इसको आप स्टार देना चाहो ना तो इतनी स्टार ज़रूर दे सकते हैं कि ये बोर्ड पेपर में आपको 5 स्टार क्वेश्चन मान के चलिए, 5 का 6 स्टार लगा लो, इतने स्टार क्वेश्चन दे सकते हो, इतना मोस्ट टॉपिक या मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक, चलिए आइए, क्या कहता है, दो बिंदु आवेश QA बराबर 3 माइक्रोकूलम तथा QB बराबर -3 माइक्रोकूलम एक दूसरे से निर्वात में 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। सबसे पहले दो ठो बिंदु आवेश ही बना लेते हैं। आइए देखिए, दो ठो बिंदु आवेश ले लेते हैं, ये देखिए दो ठो बिंदु आवेश, थोड़ा सा इनको और छोटा कर लेते हैं, ये QA हो गए, ये क्या हो गए, QB हो गए, बीच की दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर। ठीक भैया, बीच की दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर ना, इनके बीच की दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर, ध्यान समझिएगा। आगे क्या कर रहे हैं, दो बिंदु आवेश हैं एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, इतनी तो हमने केवल जो बनाया था, जो कह रहा था वो हमने बना लिया। आगे कह रहा, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु, तो भैया पहला पार्ट, दोनों रेखाओं और दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु P मान लेते हैं। ठीक भैया, अब दोनों रेखा को मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, सॉरी दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। तो ध्यान समझिएगा, अब QA, QA का मान कितना है भैया, देखिए QA का मान 3 माइक्रोकूलम है, देख पा रहे हैं आप, ये देखिए ये वाले देख रहे हैं ना, तो QA का मान कितना है भैया, 3 माइक्रोकूलम। तो दिया है, क्या दिया है, QA बराबर 3 माइक्रोकूलम, इसे चेंज कर देंगे 3×10⁻⁶ कूलम। फिर QB बराबर क्या है, QB बराबर है -3, तो -3 माइक्रोकूलम, इसको चेंज करेंगे -3×10⁻⁶ कूलम। ठीक, बीच की दूरी जो है 20 सेंटीमीटर है, बीच की दूरी कितनी है भैया, 20 सेंटीमीटर है। एक बात ध्यान देखिए, ये A है, ये क्या है, B है। ठीक, बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में चेंज कर लेंगे। आगे कह रहा, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो आइए पहला पार्ट हम लोग हल करते हैं। तो मान लेते हैं इनके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या है, A के कारण लिखेंगे, QA के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EA बराबर क्या होगा, 1/4πε0 QA बटे R स्क्वायर। तो यहाँ बीच की दूरी R कौन है, AP है, तो QA क्या हो गया, AP का स्क्वायर हो गया। ध्यान समझिएगा, अब इसका मान क्या होता है, 9×10⁻⁹ होता है। QA का मान कितना है, QA का मान है 3×10⁻⁶, ठीक, बटे AP, तो AP जो दूरी 20 थी मध्य बिंदु P हो गया, तो ये भी 10 हो गए, ये भी 10 हो गए, तो बीच की दूरी क्या हो गई, 10 सेंटीमीटर। तो मीटर चेंज करेंगे 10×10⁻²² ठीक। अब 9 × 3 = 27, 27×9 में से 6 घटा दिए 10³ आ गए, बटे 10^100 × 2^4 10^-4 आ गए, तो 4 × 2 ये क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो 27×10³ ये 10^-2 ये ऊपर गए, तो ये -2 क्या हो जाएगा, ऊपर जाके प्लस, 27×10⁻⁵ कितना आ गया, 5। तो ये आ गया EA का मान।
इसी तरह क्या आ जाएगा, इसी तरह क्या आ जाएगा भैया, ई बी का मान आ जाएगा, ध्यान से समझिएगा, इसी तरह क्यूबी के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ध्यान समझिएगा तीव्रता क्या होगी, ई बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्या है क्यू बी है, बटे आर, तो यहाँ ओ बी पी का स्क्वायर हो जाएगा, बी पी का स्क्वायर, तो इसका भी मान 9×10^9, ये पूरे का मान 9×10^9 इंटू क्यू बी, तो क्यू बी का मान कितना है 3×10^-6, माइनस इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि वो ऋणात्मक आवेश को दिखा रहा है, बी पी कितना है 10×10^-2 होल स्क्वायर, इसे अभी आप लोगों ने हल किया था तो कितना आया था 27×10^5, ठीक, ये आ गए ई बी का मान। अब हम लोग क्या निकालेंगे, हमको क्या निकालना है, पी पर परिणामी, तो पी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर हो जाएगा, परिणामी ई ए प्लस क्या हो जाएगा, ई बी जुड़ जाएगा, ठीक, ई ए का मान कितना है भैया 27×10^5, ई बी का मान 27×10^5, 10^5 दोनों में कॉमन है तो 27 प्लस क्या हो जाएगा 27, तो यानी क्या आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 54×10^5 कितना आ जाएगा 5, पॉइंट जो यहाँ है एक अंक इधर ला देंगे तो 5.4×10^6 न्यूटन प्रति क्या हो गया कूलम, तो इस प्रकार परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई आ गई, जो आपसे पूछ रहा था कि मध्य बिंदु पी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 5.4×10^6 न्यूटन प्रति क्या आ जाएगा कूलम आ जाएगा, तो इस प्रकार आपका यही आंसर भी आया है। पर इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा, यदि कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इसके मध्य बिंदु पर रख दिया जाए, तो समझिएगा इसको आप स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लीजिए, फिर दूसरे सवाल कंटिन्यू करते, ई का मान आप याद रखिएगा ना, चलिए देखिए इसका दूसरा पार्ट क्या कह रहा, यदि इसी बिंदु P पर एक क्या रख दिया जाए, कौन सा आवेश रख दिया जाए 1.5, तो ऋणात्मक आवेश, तो 1.5×10^-9 कूलम का आवेश रख दे तो इस पे लगने वाला बल, तो हम जानते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे आवेश पर लगने वाला बल यफ बराबर फार्मूला पढ़े हो Q इंटू ई या क्यू नाट इंटू ई, तो क्यू नाट का मान कितना है 1.5×10^-9 और ई का मान आपने यहाँ रखा है 5.4×10^6, ठीक, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.5×5.4, 9 में से 6 घटा दिए 10^-3 आ गए, तो भैया इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर कितना आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -8.1×10^-3 न्यूटन आएंगे, तो आप एक बार आंसर ज़रूर मैच कराएंगे एनसीईआरटी से, क्या आपके आंसर मैच करते हैं, जी बिल्कुल आपके यही आंसर आए हैं, ये जो माइनस है वो माइनस क्या बता रहा है कि ये माइनस बता रहा है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की तरफ है तो बल इधर लग रहा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की तरफ रहेगा तो बल इधर लगेगा, यही माइनस वहाँ बता रहा है, तो इस प्रकार भैया 8वें का दूसरा क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाता है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम लोग 9वें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे हम लोगों ने हंसते हंसते 8, 7, 6 हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उसी प्रकार 9वां भी देखेंगे क्या कर रहा है, एक निकाय में 2 आवेश हैं QA और QB, ये कहाँ स्थित है A और B पर स्थित है, A के निर्देशांक और B के निर्देशांक दिए गए हैं, तो कुल आवेश और बल आघूर्ण ज्ञात करना, सबसे पहले आप एक डायग्राम समझने का प्रयास कीजिए कि ऐसे ये मान लीजिएगा जेड एक्सिस थी और ये वाली लाइन जो है आपकी x एक्सिस हो सकती है, ये x एक्सिस,
ये जेड हो गई, ये जेड डैश, और ये जो अगली वाली लाइन है ये वाली लाइन मान लीजिएगा आप वाई थी, ठीक भैया। अब आगे क्या होता है, ये ओरिजिन था। अब आगे क्या कर रहा है कि वो कोई जो निकाय है, वो जो निकाय में दो आवेश हैं, एक QA है, वो जो QA है वो 0 0 15 यानी x पे भी 0 है, y पर भी 0 है, देखिए x पे भी 0 y पे 0 15 -15, तो z पर जो -15 होगा वो नीचे की तरफ होगा, तो x पे, तो यहाँ पर ये कोई आवेश होगा जो QA होगा, यही निर्देशांक होगा 0 0 -15। ध्यान समझिएगा, ए पर x का निर्देशांक 0, y का निर्देशांक 0, z का निर्देशांक 0, ये बिंदु A हो गया। अगला बिंदु क्या है, जो B है वो 0 0 15 पे है, तो यहाँ QB आवेश है, यहाँ 0 0 15, ये दो ठो, ठीक, ये +15 ऊपर की तरफ, -15 नीचे की तरफ, ये कोई निकाय है, ये कोई निकाय A और B, ये कोई क्या है, निकाय है। आगे क्या कर रहे हैं, QA पर 2.5 × 10⁻⁷ कूलम है, क्या दिया है आपको, दिया क्या है, QA बराबर 2.5 × 10⁻⁷ कूलम, फिर QB बराबर दिया है -2.5 × 10⁻⁷ कूलम, ठीक। आगे कह रहा है तो कुल आवेश का मान ज्ञात करना, सबसे पहला प्रश्न कुल आवेश, तो कुल आवेश मान लेते हैं Q बराबर क्या हो जाएगा, QA प्लस QB, तो QA का मान कितना है 2.5 × 10⁻⁷, और वहाँ -2.5 × 10⁻⁷ है, प्लस माइनस क्या हो गया कैंसिल, तो क्यू बराबर क्या हो गया 0, तो कुल आवेश का मान क्या हो जाएगा, क्यू बराबर 0। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्या करा, बल आघूर्ण ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है, बल आघूर्ण यानी टाउ का मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले आप टाउ का मान कैसे ज्ञात करेंगे, टाउ बराबर आपने क्या पढ़ा है, बल आघूर्ण, तो टाउ बराबर आपने क्या पढ़ा है, बल गुणे, सॉरी आपने, एक मिनट, ठीक, देधोर का बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। चलिए आपको टाउ ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना, टाउ ज्ञात करना। दूसरा क्वेश्चन, द्विध्रुव का बल आघूर्ण, बल आघूर्ण टाउ बराबर क्या पढ़े थे, पी ई साइन थीटा, ठीक, सॉरी गाइस, तो आपको क्या ज्ञात करना था, द्विध्रुव का आघूर्ण ज्ञात करना था, न कि बल आघूर्ण ज्ञात करना था, तो आपको आघूर्ण ज्ञात करना है, तो आघूर्ण बराबर आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, आघूर्ण बराबर द्विध्रुव का आघूर्ण, P बराबर पढ़े हैं क्यू इंटू टू एल, क्यू इंटू कितना पढ़े हैं, टू एल पढ़े हैं। अब देखिए क्यू का मान किसी एक आवेश का परिमाण आप रख देंगे, न कि ये क्यू रखेंगे, तो आप यहाँ रखेंगे क्यू ए रख देंगे, ठीक, क्यू ए इंटू टू एल, तो क्यू ए का मान कितना है, 2.5 × 10⁻⁷ कितना, -7 इंटू टू एल, तो टू एल क्या होता था, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी, तो देखिए यहाँ से 15 प्लस चले, इधर 15 माइनस में चले, तो दोनों दूरियाँ मिला के हो गई 30 सेंटीमीटर, दोनों दूरियाँ मिला के क्या हो गई भैया, 30 सेंटीमीटर, ठीक, +15 नीचे -15, तो दोनों दूरी है 30 सेंटीमीटर हो गई, तो इनको हम बदल देंगे 30 × 10⁻²⁰ मीटर, यानी 2L का मान ये आ गया। अब देखिए ये पॉइंट काटे, ये 10 लगा दी, 10 × 10 = 30, कितना आ गया 25 × 3, 10⁻⁷ में से 2 ठो घटा देंगे, 10⁻⁵ आ गया, 25 × 3 = 75, 75 × 10⁵, पॉइंट एक अंक इधर लाएंगे, तो 7.5 × 10⁶, ये क्या आ गया, कूलाम मीटर, तो ये पी का मान आ गया। इस प्रकार द्विध्रुव आघूर्ण को आप ज्ञात कर सकते हैं, क्या आ गया, पी बराबर 7.5 × 10⁶ कूलाम मीटर। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देखते हैं, इसको मूव करते हैं, तो इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, इस पार्ट का आपका लास्ट क्वेश्चन, एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ध्यान से समझिएगा, एक समान विद्युत क्षेत्र E का निर्माण करते हैं, क्योंकि वहाँ चर्चा किया गया, तो एक समान विद्युत क्षेत्र E बनाते हैं हम लोग, ये एक समान विद्युत क्षेत्र E हो गया। आगे क्या कह रहा है, एक वैद्युत द्विध्रुव इसमें रखते हैं जिसका द्विध्रुव आघूर्ण, तो एक वैद्युत द्विध्रुव इसी पे रख देते हैं, एक पे प्लस क्यू आवेश होगा, एक पे माइनस क्यू आवेश होगा, ठीक, एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रखते हैं,
जिसका द्विध्रुव आघूर्ण यानी पी दिया है, द्विध्रुव आघूर्ण पी आपको दिया है, कितना दिया है पी बराबर 4×10⁻⁹ कूलम मीटर। आगे एक समान वैद्युत क्षेत्र ई के सापेक्ष कितने अंश के कोण पर रखा गया, 30 अंश के कोण पर, कितने अंश के कोण पर रखा गया है 30 अंश के कोण पर, यानी थीटा बराबर दिया है 30 अंश। आगे क्या कर रहे हैं भैया, एक सम तथा वैद्युत क्षेत्र ई का मान आपको दिया हुआ है 5×10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। द्विध्रुव का बल आघूर्ण ज्ञात करना है, यानी बल आघूर्ण टाउ ज्ञात करना है, बल आघूर्ण टाउ ज्ञात करना है, ध्यान समझिएगा टाउ बराबर क्वेश्चन मार्क। तो बल आघूर्ण बराबर आपने क्या पढ़ा, बल आघूर्ण बराबर आपने पढ़ा टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा, ठीक। पी का मान कितना है 4×10⁹, ई का मान कितना है 5×10⁴, साइन थीटा, थीटा का मान 30 अंश है, ठीक। साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2 होता है, तो 4×5 9 में 9 4 ध्यान से समझिएगा, ये -9 है, 9 में से 4 घटा दिए कितना आ गया 10⁻⁵, और साइन 30 अंश का मान 1/2, 2×1=2, 2×2=4, 2×5=10, 10×10⁻⁵, 5 में से पावर 1 कम कर देंगे तो 1×10⁻⁴, ये आ गया टाउ। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, पी का मात्रक क्या होता है आपका, इसका पूरा बल आघूर्ण का मात्रक आप लोगों ने इससे पिछले, ठीक। तो क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर आ जाएगा, क्या आ जाएगा न्यूटन मीटर, ठीक। इसका मात्रक आ जाएगा ये। तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन नंबर 10 भी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। जो बचे के सवाल हैं वो आपको अगले वीडियो में बता दिए जाएंगे। आई होप वीडियो आप सभी को ज़रूर पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू डियर स्टूडेंट।